जिला प्रशासन भाजपा के हारे व जनता द्वारा नकारे नेता के कठपुतली बनकर रह गया है, जिसके चलते कोरोना महामारी के इस दौर में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी की आड़ में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध कब्जों व अवैध लकड़ी का कारोबार जोरों शोरों पर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की आधारशिलाएं व उद्घाटन पट्टिका तोड़ने पर जोर दिया जा रहा है और हाल में ही नैना देवी क्षेत्र में भी पट्टिका तोड़ी गई थी, जिसमें कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन आज तक इसमें ना तो जिला प्रशासन ने ना ही स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाही कर पाया है। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हारे हुए भाजपा नेता की हर बात मानकर कार्य कर रहा है, जबकि आम आदमी परेशान होकर रह गया है। उक्त भाजपा नेता के इशारों पर कर्मचारियों के तबादले कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन का अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी किसी भी कानून को तोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी के नज़दीक हैं, उन्होंने दो तीन काम करने शुरू किए हैं। पहला तो यह है कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ा इसलिए है क्योंकि ना रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ जा सकते हैं, ना वहाँ पे तहसीलदार साहब फ्री हैं, ना यहाँ पे पुलिस फ्री है। इसलिए उनको ये पड़ा है कि लूट लो जितना लूट सकते हैं। एक तो इस एंगल से जो है मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है। दूसरा, लोगों ने एक और काम कर रखा है कि जो हमारा बॉर्डरिंग एरिया है जी, इसमें जो जंगल काटने वाले लोग हैं उनका काम ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो ऊपर का क्षेत्र है जहाँ पर देवदार पैदा होता है, इन दिनों में बिलासपुर ज़िला में आपको जितनी मर्जी देवदार आपने लेनी है तो वहाँ से जो धंधा करने वाले लोग हैं ये, और तो और रोपड़ तक जो है ये देवदार जंगलों से काट के पहुँच रही है। तीसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक क्योंकि शराब के ठेके बंद हो गए, सरकारी तौर पे बंद हुए, जो शराब के ठेकेदार हैं वो मार्च महीने तक का कोटा रखते हैं ज़्यादा, कि अप्रैल में नए ठेकेदार आएंगे तो मार्च महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शराब हो जी उसको बेचा जाए। तो हुआ ये कि जब कोरोना लगा तो ठेकेदारों का जो शराब उन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो तीन गुना कीमत के ऊपर लोगों ने वो भी खरीदा। और साथ में एक नया काम ये हुआ कि मैं तो उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहूँगा, नहीं तो हमारे पहले मजियारी गाँव का नाम लेते थे जी, अब चंगर एरिया की हमारी 6 पंचायतें हैं वो मजियारी से भी ज़्यादा शराब बना रही है। यहाँ पे 2 पुलिस हेड कॉन्स्टेबल अपॉइंट हुए, एक निचले एरिए में और एक ऊपर के एरिए में। दोनों पुलिस हेड कॉन्स्टेबल जो है वो किसका नाम ले रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन महीना बंदा है और घर घर में भट्टियाँ लगनी शुरू होगी, चाहे वो हमारी ऊपर का एरिया दामी घाटी हो या हमारा नीचे का एरिया चंगर के साथ लगता एरिया हो, उसमें पुलिस को महीना जाता है। अब आप ही बता लें कि जब पुलिस ही ऐसा काम करना शुरू करे तो फिर आगे वो क्या होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो और जिला प्रशासन जो है वो लोगों का एक विश्वास है कि अगर मान लो हमारी बात राजनीतिक लोग नहीं सुनेंगे तो जिला का जो हमारा डीसी है या हमारा जो एसपी है जी या उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन हो ही रहा है कि आज की तारीख में एक चुनाव हारा हुआ आदमी जो एसपी के दफ्तर को नहीं छोड़ता, एक एक कांस्टेबल की 8-8 बार ट्रांसफर हो रही है, और जब पूछा जाता है, मैंने नहीं पूछा, भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में जो भागीदार लोग हैं उन्होंने पूछा कि फलां जो कर्मचारी है उसको क्यों बदल रहे हैं, तो